आपके फार्म पे आए हैं, बहुत सुना था आपके फार्म के बारे में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम इशिता जैन है जी। और ये तिबारिया जयपुर में है हमारा फार्म जी। ये मेरे हस्बैंड ने 4 साल पहले शुरुआत की थी इसकी जी। और हम 1 साल पहले ही इस जगह पे शिफ्ट हुए हैं खुद का लैंड लेके। हमारे पास यहाँ लगभग 80 गाय हैं जी, जो सारी गुजरात की गिर नस्ल है जी। प्योर ब्रीड, एकदम हाईएस्ट ब्रीड की है जी। सारी गिर गायें। और यहाँ हम मेनली ब्रीडिंग का हमारा पहले काम है जी। और दूध तो एक तरह से बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं जी। जो हमारा मेन ब्रीडिंग बुल है राज जी, आप देख सकते हैं वहाँ खड़ा है जी। तो ये भी बहुत अच्छी नस्ल का है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का गिर बुल है हमारे पास जी। तो इशिता जी, जैसे शुद्ध गिर की पहचान की बात की जाए तो क्या क्या मुख्यतः पहचान रहती है? अगर हम इसके सींग देखें तो सींग जो होते हैं इसके, तो वो कान से एकदम टच किए हुए होते हैं जो गिर गाय के होते हैं। इनके जो कान होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए जुड़े हुए रहते हैं, इतना स्पेस रहता है कि अपन एक सिक्का रख सकते हैं इसके ऊपर जी जी। और इनका जो ड्यूलैप होता है जी, तो वो बिल्कुल भी आप आखिरी तक देखेंगे तो टच नहीं होता है ऊपर की तरफ जी, पूरा जी, हवा में ही रहता है। और इनका जो ऊपर ये वाला एरिया रहता है जी, वो जी, उल्टे मटके की तरह इसका शेप रहता है अगर जी, आप देखें सामने से जी, तो ये कुछ खासियत है जिसकी वजह से हम असली प्योर ब्रीड की पहचान कर सकते हैं। अपन लगभग 10 फीट की दूरी से इनको देखें तो इनकी आँखें ऐसा लगता है बंद है, आँखें बंद हुई हुई है, ऐसा लगता है कि गाय सो रही है जी जी। तो इशिता जी, जैसे आपके पास लगभग 80 गोवंश हैं जी, तो आप सारा दूध तो बछड़े बछड़ी उसे पिया नहीं जाता होगा जी, बचे हुए दूध का क्या रहता है? बचे हुए दूध का हम घी बनाते हैं। हमारा घी बनाने का जो तरीका है वो पुराना वैदिक टाइम का तरीका है जी। हम दूध को पहले पूरे दूध का हम कर्ड बनाते हैं जी, और फिर उसको बिलोते हैं, जब ऊपर से उसका मक्खन निकल जाता है फिर उस मक्खन को हम गरम करते हैं, और गरम करने के बाद हम उसको इस तरह से पैकिंग करते हैं। ये पैकिंग अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से की गई है जी। ये सारे किसान लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जितनी अच्छे से पैकिंग करेंगे, जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे, तो उतनी ही ज़्यादा आप कस्टमर्स अपने लिए बना सकते हो, उतने ही कस्टमर्स आपसे जुड़ेंगे। तो पैकिंग पूरी होती है, पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो घी है उसकी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ है, बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसकी, बहुत अच्छे गुण होते हैं उसके। अगर आप इस घी को देखेंगे तो इसका जो सुनहरा रंग है जी, वो इस ये जो सूर्य केतु नाड़ी इस हम्प में पाई जाती है गिर गाय की जी, तो वो उसके वजह से इसमें जो भी गुण आते हैं, अच्छी क्वालिटीज आती है, न्यूट्रिशंस आते हैं, वो इसके वजह से आते हैं, वो इस भैंस में आपको नहीं मिलेंगे जी। या फिर HF या अंग्रेजी गाय में, जर्सी गाय में, जर्सी HF किसी में नहीं रहते, ये हम्प की क्वालिटीज है, ये और किसी में नहीं, भारतीय नस्ल की गायों में ही पाई जाती है। तो आप एक बात और बताएं, जैसे आपके बछड़े बछड़िया बिल्कुल मस्ती में घूम रहे हैं, तो हमेशा इनको इसी तरह से खुला, हम इनको हमेशा इसी तरीके से खुला रखते हैं, खुश रहते हैं ये एकदम। आप इनकी हेल्थ भी अगर देखेंगे, आपको और कहीं इतने हेल्दी और एकदम खुश मिजाज में ये बछड़े नहीं मिलेंगे, बछड़े बछड़ियाँ नहीं मिलेंगी। हम गायों को भी पूरे टाइम खुला ही रखते हैं, सिर्फ मिल्किंग के टाइम 2 बार हम इनको बांधते हैं, वरना वो पूरे टाइम इस वाले पूरे एरिया में घूमती जी, है जी, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि गाय को हम खुश रखें, इनको प्यार दें जी। हम बछड़े के दूध पीने में कोई भी कमी नहीं रखते हैं, सब बछड़ी बछड़ियों को जितना दूध चाहिए रहता है उनको अपनी माँ से उतना ही देते हैं, उसके बाद जो दूध बचता है वो हम घी बनाने के लिए या दूध बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर इस फार्म पर आकर और गायों के साथ इस प्रकार अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हुए देखकर काफ़ी प्रसन्नता मिली। और जैसे कि मैं आपको गौशाला दिखाना चाहूँगी बाकी की, अगर आप देखें तो ये हमारा राज सबसे माइटी ब्रीडिंग बुल है जी, इसको हम 4 साल पहले 7.5 लाख का भावनगर से लेके आए थे जी। और ये बहुत प्योर क्वालिटी का, एकदम हाई प्योरिटी का बुल है जी, आप देख सकते हैं जी। और इसकी माँ का दूध उत्पादन देखा जाए तो इसकी माँ का दूध उत्पादन 22 लीटर तक का था जी, 22 लीटर प्रतिदिन का जी, प्रतिदिन का 22 लीटर। आपने लगभग 7 लाख रुपए खर्च किए हैं, क्या सोच समझ कर आपने
इतने पैसे लगाए हैं? हमने इसलिए इतने पैसे लगाए क्योंकि हमें आगे की जनरेशन का सोचना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्योरेस्ट ब्रीड की, हम इस नस्ल की बहुत ध्यान रखना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका दूध और इसका घी लोगों तक पहुँचे। खुंडियों के बारे में अगर आप जैसे देख सकते हैं तो राजस्थान में बहुत धूल मिट्टी सैंड पाई जाती है, पर ये खुंडियों की वजह से सारी जो मिट्टी है वो चारे में ना रहते हुए नीचे फिल्टर हो जाती है, सारी नीचे चले जाती है। अगर आप देखें तो ये सारी यहाँ नीचे चले जाती है और हमने ये स्लोप बना के रखा है, तो सारी मिट्टी जमा होके यहाँ नीचे आ जाती है, यहाँ नीचे आ जाती है, फिर उसको सफाई करना आसान होता है। तो सभी खुंडियों में इसी प्रकार कर रखा है जी। तो चारे में गायों के लिए एकदम फ्रेश चारा रहता है, कोई मिट्टी नहीं रहती है, सैंड नहीं रहती है जी। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ हमारा बायोगैस प्लांट है, यहाँ हम गोबर डालते हैं जी, तो हम यही बायोगैस यूज करते हैं घी को गर्म करने के लिए। हम घी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं या हीटर यूज नहीं करते हैं, हम नेचुरल चीज यूज करते हैं, यहाँ बायोगैस से गर्म होता है हमारा घी। जी 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 ठीक है। तो यहाँ पर पीछे बछड़ों को भी देखा जा सकता है, इनकी भी आपको सेहत दिखाई जाएगी, काफ़ी स्वस्थ बछड़े हैं। और आप खेती भी ऑर्गेनिक ही करते हो जी यहाँ पर? जी हमारी खेती ऑर्गेनिक खेती है पूरी। अपने घर के लिए खाने पीने के लिए सब्जियाँ हैं, अनाज है जी, घर के लिए भी है और हम जयपुर में भी सारे वेजिटेबल्स सप्लाई करते हैं जी ऑर्गेनिक। वो पीछे आप देख सकते हैं हमारा, वहाँ पे सारी सब्जियाँ पर वेजिटेबल्स हैं जी, पीछे वहाँ पर जी वर्टिकल फार्मिंग कर रखी है। तो यहाँ पर ये बछड़े बछड़ियाँ हैं, इनको देखा जा सकता है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, अट्टे कट्टे हैं। तो इनको भी सीताजी पर पेट दूध पिलाती हैं, तभी नस्ल संवर्धन और भी तेजी से हो पाता है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर कितने लेबर कितनी है, कितने काम करते हैं? लेबर हमारी यहाँ पे 5 लेबर काम करती है जी, ये गौशाला के लिए जी, और बाकी खेती के लिए हमारी अलग से लेबर आती है। ठीक है जी, ठीक है। तो इसी ताजी आप गायों को खिलाते क्या क्या? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हमारे फार्म पे ही ऑर्गेनिक फॉर्डर लगा हुआ है, हरा चारा, तो उसमें हमने रचका लगाया हुआ है, हम नेपियर देते हैं गायों को, हम मोरिंगा देते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है गायों के लिए, हम ज्वार देते हैं, मक्का गेहूँ का दलिया ये देते हैं, और हम जड़ी बूटियाँ भी देते हैं जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा और आंवला देते हैं, हल्दी देते हैं, ये सब काफ़ी अच्छा होता है गायों के लिए। और हम बाजरा, जवार और धूप घास, सब जितना हरा चारा इनके लिए अवेलेबल है भरपूर मात्रा में हम इनको हरा चारा देते हैं जी जी जी। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे 50 लाख लीटर पानी आ सकता है, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं जी, इसी पानी से हमारी सारी खेती होती है जी, और ये खेती सारा गौशाला का पानी यहीं पर आता है जी जी जी। तो यहाँ पर जो सैड पक्के हैं वहाँ का पानी और सारी गौशाला का पानी यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसी पानी से यहाँ पर खेती की जाती है? हाँ जी, लगभग 20 एकड़ की खेती होती है जी। यहाँ पे 25 तरीके की सब्जियाँ हमने लगा के रखी हैं और सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं ये सारी। अगर आप देखें हमने यहाँ रोज वाली भिंडी, तुरई, लौकी, कॉर्न, आगे टमाटर, ऐसी 25 तरह की सब्जियां हमने लगा के रखी है। ये बेड्स आप देखेंगे, ये बेड्स के ऊपर लगाए हुए हैं क्योंकि अगर जैसे बारिश होती है तो ये नुकसान नहीं करता है क्रॉप को, सारा पानी नीचे कलेक्ट हो जाता है, इसलिए ये हमने बेड्स पे लगा के रखा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ ड्रिप इरीगेशन किया हुआ है, तो जैसे कि पानी की कमी है तो ड्रिप से थोड़ा थोड़ा पानी जी आता जी। जैसे कि हमारा नाम किनाया का मतलब है संपूर्ण, तो हम फैमिली इसको एक तरह से जोड़ना चाहते हैं, उनको संपूर्ण सोल्यूशन देना चाहते हैं कि वो दूध भी यहीं से ले, घी भी यहीं से ले, सब्जियां भी सारी ऑर्गेनिक यहीं से ले, सारी चीज़ें उन्हें एक ही जगह से उपलब्ध हो जाए। अनाज भी हम उनको सप्लाई करते हैं सब्जियों के साथ, फ्रूट्स, अनाज सबका हम उनको, जितने भी खाने के पदार्थ हैं हम सप्लाई करते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ मुर्गे भी पाल रखे हैं जी। तो ये क्या करते हैं, जो चीचड़े होते हैं, मक्खियों के अंडे होते हैं जो इनमें लग जाते हैं, तो वो खा लेते हैं ये सब, जिसके वजह से साफ सफाई बनी रहती है जी, जी। हमारे यहाँ आप देखेंगे अगर तो किसी भी गाय पे चीचड़ा नहीं मिलेगा आपको जी, जी। वो ये सब खा लेते हैं जी जी। तो इशिता जी, जैसे आजकल देखा गया कि बहुत सारे पशुपालक घाटे में ही चल रहे हैं, तो फायदे के लिए क्या कुछ स्टेप उठाने चाहिए? 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डेयरी फार्म को चलाने के लिए जी। सबसे पहली चीज़ होती है जो गाय की नस्ल है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की गाय होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास लेबर कैसा है, लेबर बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास।
और तीसरी ये चीज़ होती है मार्केटिंग, जैसे पैकेजिंग हो गई, आप किस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये तीन चीज़ें आपके पास है तो फार्म सक्सेसफुल रह सकता है जी। अब जैसे आप अगर ये दूध देखें, हम 100 रुपये के भाव में बेच रहे हैं पर फिर भी हमें कोई मुनाफा नहीं है, क्योंकि इसमें गायों के मेंटेनेंस में हमको बहुत पैसे लग जाते हैं, तो कम से कम 150 का तो इसका भाव होना चाहिए। अब जैसे गाय गाँव में देखें तो 25 से 40 तक के रुपए में जो किसान भाई है वो तो बेच ही नहीं पाते होंगे, बहुत मुश्किल जाती होगी, तो उनको ये कदम उठाना चाहिए कि उनको कम से कम पैकिंग अपनी बहुत अच्छी रखनी चाहिए, फैमिली से जुड़ना चाहिए, वहाँ पे कस्टमर्स से जुड़ना चाहिए और उस तरीके से उनको अपना दूध बेचना चाहिए, तब उनके फार्म को, उनके डेयरी फार्म के बिज़नेस को मुनाफा हो सकता है। जी जी बिल्कुल। काम करते हैं तो जितने भी हमारे मेल काफ्स भी होते हैं तो वो इतने अच्छे होते हैं कि लोग ब्रीडिंग के लिए ले सकते जी, हैं जी, उन्हें। लोग लेके भी जाते हैं।